चलिए आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन का लिखाए थे घर्षण को बढ़ाने की विभिन्न विधियों को लिखें, घर्षण को बढ़ाने की विभिन्न विधियों को लिखें। आंसर में लिखिएगा घर्षण को निम्नलिखित विधि के द्वारा या निम्नलिखित प्रकार से, घर्षण को निम्नलिखित प्रकार से निम्नलिखित प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, निम्नलिखित प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। पहला नंबर लिखिएगा, यदि सतह स्मूथ मतलब चिकना, यदि सतह स्मूथ हो यदि सतह स्मूथ हो चिकना हो तो उस स्थान पर, यदि सतह स्मूथ हो चिकना तो उस स्थान पर बालू को छिड़क कर, बालू को छिड़क कर या छींट कर जैसे लिख सकते हैं, बालू को छिड़क कर घर्षण बढ़ाया जा सकता, बढ़ाया जाता है, बालू को छिड़क कर घर्षण बढ़ाया जाता है। घर्षण बढ़ाया जाता है। दूसरा नंबर लिखिएगा, सेकेंड नंबर। अच्छा, गाड़ी आप लोग देखे होंगे, बाइक देखिएगा, जब बाइक का टायर खिया जाएगा तो देखिएगा हल्का सा भी अगर कीचड़ है, पानी है, चक्का वहाँ पे स्किड करने, ससरने लगता, स्लिप करने लगता है, देखें कि नहीं देखें, वो कीचड़ में, गांव में अगर कीचड़ हल्का फुल्का भी है तो वहाँ पे चक्का वो नहीं चल पाएगा, वो बार बार स्लिप करेगा, घूमना शुरू कर देता है वो अपने आप। तो उसी में अगर किसी का टायर नया है तो देखिएगा वो स्लिप नहीं करेगा। तो घर्षण को बढ़ाने के लिए टायर में ग्रुप्स GROVES ग्रुप्स का मतलब क्या, खांचे उन्हें होता है, गोटी जिसको बोलते हैं, गोटी बोलते हो ना टायर का गोटी, तो गोटी जो होता है वो ग्रुप्स, यानी कि घर्षण को बढ़ाने के लिए टायर में ग्रुप्स बना दिया जाता है। ग्रुप्स में समझ में आया क्या, गोटी समझते हो ना, टायर का गोटी समझ रहे हैं, टायर देखे हैं, एक बार देख लीजिएगा। लिखिए दूसरा नंबर, घर्षण को बढ़ाने के लिए वाहन के टायर में, घर्षण को बढ़ाने के लिए वाहन के टायर में ग्रुप्स खांचे, ग्रुप्स बनाया जाता है, ग्रुप्स बनाया जाता है। तीसरा नंबर लिखिएगा, तीसरा नंबर
घर्षण को बढ़ाने के लिए जूता जूता देखे हो, जूता या चप्पल उसका तल जो सतह होता है क्या होता है, खुरदरा बनाया जाता है, खुरदरा समझते हैं ना। और आप देखिएगा जब चप्पल खिया जाता है नीचे वाला पार्ट कम हो जाता है, तो आप अगर चलिएगा सतह पर चापाकल पर कभी चलिएगा जहाँ पर कजली होगा, उसके बाद आप चप्पल पहनकर नहीं आ पाइएगा, चप्पल वहीं रहेगा, आप रूम पहुँच जाइएगा, ठीक है। तो फिर आपके परिवार के लोग चप्पल उठा के रूम पहुँचाते हैं, ठीक है। तो होता है बेटा वहाँ पर क्या होता है, घर्षण बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ तो लिखिएगा क्या लिखा है, घर्षण को बढ़ाने के लिए जूते का तल खुरदरा बनाया जाता है, जूते का तल खुरदरा बनाया जाता है, खुदरा नहीं खुरदरा। खुरदरा खुरदरा नहीं लिखना है, खुरदरा मतलब क्या, रफ। हाँ गोटी गोटी जो रहता है, हाँ देखिए गोटी गोटी जो बोलते हैं वो जनरल लैंग्वेज, ठीक है, फिजिक्स का वर्ड नहीं है वो गोटी। फिजिक्स के बोलने के लिए खांचा बोलना होगा या खुरदरा बोलना होगा, नहीं समझे, रफ बोलना होगा। अब गोटी बोलना है तो गांव देहात में गोटी बोले तो आप लोग सब समझ गए, ये खांचे बोलेंगे बहुत कम बच्चों समझ में आया होगा, लेकिन गोटी बोलेंगे तो अच्छा बुझी गलियो रे और टायर में जो गोटी रेजू, ठीक। लिखिए अगला क्वेश्चन, लिखिएगा घर्षण को कम करने की विभिन्न विधियों को लिखें। अगला क्वेश्चन लिखिएगा घर्षण को कम करने की विभिन्न विधियों को लिखें। घर्षण को कम करने की विभिन्न विधियों को लिखें, घर्षण को कम करने की विभिन्न विधियों को लिखें। आंसर में लिखिएगा घर्षण को कम करने की विभिन्न विधियां निम्नलिखित हैं, घर्षण को कम करने की विभिन्न विधियां निम्नलिखित हैं। घर्षण को कम करने की विभिन्न विधियां निम्नलिखित हैं। ऐ सुनो रे बाबू का अपने करो, आप देखिए सुनिएगा, कभी कभी क्या होता है दो सतह पर जैसे घर्षण ज़्यादा है वहाँ पर क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं, पॉलिश करने से भी क्या होता है चिकना हो जाता है। गेट में देखिएगा जब गेट नहीं लग रहा है, गेट आवाज़ कर रहा है, तो वहाँ पर क्या करते हैं तेल डाल देते हैं, गेट फ्री हो जाता है ना। साइकिल देखिएगा जब चलाते हैं तो अजीब तरह आवाज़ करता है, अपने मन से सीटी मारता है रे, तो अपने मन से सीटी मारता है, बिना घंटे का आवाज करता है वो साइकिल, तो फिर उसमें क्या करते हैं ऑयल तेल डाल देते हैं, तो सीखा होता है उसका घर्षण कम होता है ना। तो घर्षण को कम करने की विभिन्न विधियों में दो तीन, जैसे ये देखिएगा साइकिल में बॉल बैरिंग जहाँ पार्ट घूमता है चक्का, वहाँ चक्का पर क्या कहते हैं बॉल बैरिंग लगा दिया जाता है। अब बॉल बैरिंग बरसात में जब उससे मोबिल या तेल खत्म हो जाता है तो चाल भारी हो जाता है, वही वहाँ पर आप हल्का सा तेल डाल देते हो फिर क्या होता है उसका हल्का हो जाता है चाल, होता है ना। ये सभी जो है घर्षण को कम करने की विधियाँ होती है, ठीक है। तो लिखिएगा पहला नंबर, घर्षण को कम करने के लिए
घर्षण को कम करने के लिए दो सतहों के बीच पॉलिश कर दिया जाता है। पॉलिश का स्पेलिंग क्या लिखा? पॉलिश कर दिया जाता है। लिख लें, पॉलिश लिख लें। अब सुन, दूसरा पॉइंट लिखा है, सुनिए। लुब्रिकेंट का नाम सुने हैं? स्नेहक। लुब्रिकेंट का नाम कितने लोग सुने हैं? एक बच्चा, दो बच्चे मात्र सुने हैं लुब्रिकेंट। अभी सुने हैं, क्या होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लुब्रिकेंट का मतलब हो गया ग्रीस। ग्रीस सब जो तेल में गाड़ी में नहीं डालता है, ग्रीस सब, उसको लुब्रिकेंट कहा जाता है। उसमें देखिएगा जितना कंपनी का है मोबिल वगैरह, उसमें लिखा रहता है लुब्रिकेंट, ठीक है। तो वो ग्रीस सब जो होता है वो, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लिखिए, घर्षण को कम करने के लिए दो पृष्ठों के बीच लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। लगातार लिखना है, लगातार। लुब्रिकेंट एक ऐसा पदार्थ है जो संपर्क में आने वाले पृष्ठों के बीच एक पतली परत बना देता है। जिससे गर्त भर जाते हैं। गर्त, गड्ढा, जिससे गर्त भर जाते हैं। और घर्षण कम हो जाता है। लुब्रिकेंट एक ऐसा पदार्थ है जो संपर्क में आने वाले पृष्ठों के बीच एक पतली परत बना देता है। जिससे गर्त भर जाता है, या भर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और घर्षण कम हो जाता है। लाइन चेंज करके लिखिएगा, लुब्रिकेंट सॉलिड, लिक्विड एवं गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। लाइन चेंज करके लिखना है, लुब्रिकेंट सॉलिड लिक्विड एवं गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है।
हो गया हो गया। तीसरा लिखेगा बॉल बैरिंग, लिखना नहीं है बता रहे, तीसरा पॉइंट समझा रहे हैं अभी। बॉल बैरिंग यहां लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से, बॉल बैरिंग, ठीक है। बॉल बैरिंग क्या होता है, देखिए जो पार्ट घूमता है साइकिल का चक्का जहां पे घूमता है, एक्सेल के पास देखिएगा, ए बाबू ए नूनू, जो पार्ट घूमता है साइकिल का एक्सल के पास चक्का, वहां पर देखिएगा गुल्ली टाइप का रहता है ना, या पैडल जहां पर रहता है, पैडल में देखिएगा गुल्ली टाइप का रहता है। तो वो बॉल बैरिंग जो होता है, जब आप बॉल बैरिंग का प्रयोग नहीं कीजिएगा तो घूमने वाला जगह पर थोड़ा सा आपको ज्यादा ताकत लगेगा, ठीक है। तो बॉल बैरिंग का प्रयोग करने से वो आसानी से घूम जाता है, ठीक है ना। तो घर्षण को कम करने के लिए घूमने वाले जगहों पर बॉल बैरिंग का प्रयोग किया जाता है, समझ आया। घर्षण को कम करने के लिए घूमने वाले जगहों पर किसका प्रयोग करेंगे रे, बॉल बैरिंग का, समझ आया ना। देखिए घूमने वाले जगहों पर, घूमने वाले जगहों पर घूमने वाले जगहों पर घर्षण को कम करने के लिए घूमने वाले जगहों पर घर्षण को कम करने के लिए बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है एक और लिख लीजिएगा, सुनिए एक बात और है कि घर्षण को कम करने के लिए उचित पदार्थों का भी चयन जरूरी है। उचित पदार्थ का मतलब हो गया कि जिसका कि घर्षण ज्यादा है, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा सब्सटेंस है, अब मान लीजिए आपको कोई सामान को कैरी करना है, अब सामान हमको 10 किलो का ले जाना है और तुम 50 किलो का लोहा पर उस पर रख उठा रहे हो, घिसिया रहे हो, तो और ज्यादा भारी ना हो जाएगा। तो वही कहता है कि चयन ऐसा होना चाहिए पदार्थ का जो किसका कि घर्षण कम हो, ठीक है। किसका किसका घर्षण कम होता बता दें, लिखिए कुछ उचित पदार्थों का चयन करके भी, अगला नंबर चौथा होगा चार नंबर, हाँ, कुछ उचित पदार्थों का चयन करके भी, कुछ उचित पदार्थों का चयन करके भी घर्षण को कम किया जा सकता है, कुछ उचित पदार्थों का चयन करके भी घर्षण को कम किया जा सकता है। जैसे सुनिए, अब आपका बाइक में अगर टायर के जगह पर लोहा का पूरा चक्का लगा दिया जाए, ट्रेन वाला लोहा का चक्का, तो क्या होगा बोलिए, चला पाइएगा? और क्या इस कितना स्पीड चला सकते हैं, घूमे ज्यादा तो मूव ही नहीं कर पाएगा, बात समझे कि नहीं। इसीलिए कहता है कि घर्षण को जब कम किया जाए उसके लिए पदार्थों का चयन भी एक मायने रखता है। अब देख बेटा, ये तो बता दिए, अब जो इसके बाद आएगा दो टॉपिक और है, फिर बता दे, सुनो, इंग्लिश मीडियम बैच आप लोग को जो वीडियो भेजते हैं 11th वाला, उसमें प्रत्येक दिन एगो न्यूमेरिकल बताया जाता है एनसीईआरटी किताब से, डेली बताते हैं, सवाल नंबर, पेज नंबर, बस समझेगी नहीं, सब चीज बताते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वो वीडियो को भी जरूर देखा कीजिए। उस वीडियो में लास्ट में बताते, फिर बता रहे, लास्ट का 5-7 मिनट का जो वीडियो होता है ना, उसमें बताते, 10 मिनट का वीडियो जो होता है उसमें
तो न्यूमेरिकल जो है डेली बता रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के बैच में समय नहीं मिल पाता है, उसमें क्या है कि समय मिल जाता है, तो समय मिलता है आपकी वीडियो भेज देते हैं, उस पर देखिएगा ना अंग्रेजी उसमें बोल देते हैं, जैसे वीडियो वीडियो ग्रुप में शेयर करते हैं ना, उसमें भेज बोल देते हैं 11th का इंग्लिश मीडियम बैच है, ये 12th सभी इसमें बोल दिए हैं, सुबह 7 से 8 बैच 11th का है ये, नहीं समझे, ये सब बातें हम बोल देते हैं उसमें, ठीक है, तो इसलिए आप लोग को भी बता दे रहे हैं, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है, जितना आदमी को दिखा सकते हैं, जिसको चैनल सब्सक्राइब किया बोलेगा देखिए अब है सर यही है, एक दो मिनट उसको दिखा दीजिए अब अपना झलक, ठीक है, रुकिए रुकिए पहले, अरे अभी ऑनलाइन देखिए,